हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग, रिंकल्स, पिगमेंटेशंस के बारे में। उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए मार्केट्स की क्रीम्स, ब्लीचेस यूज़ करते हो जो कि केमिकल ट्रीटेड होती हैं। तो गाइस, मैं आपको आज इसी टॉपिक पे बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है, कि बार बार आप वो क्रीम्स ब्लीचेस को अपनी स्किन पे मत यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। आप इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए उसको बार बार यूज़ करते हो स्किन पे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है गाइस। तो आपने क्या करना है, आप उनको यूज़ करो, लेकिन बहुत कम यूज़ करो उनका। डेली बेसिस पे आप उनको यूज़ मत करो, ओके गाइस। तो आप क्या करोगे, आपने जो आपके घर में ही आपके किचन में प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा टाइम निकाल के उनको ही अपनी स्किन पे लगाइए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्किन के लिए इंजेक्शंस ले रहे हैं, मेडिसिंस ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल मत लीजिए, आप उनको अवॉइड कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। स्किन के ज़्यादा स्किन के ऊपर मेडिसिंस यूज़ करने से स्किन कैंसर हो सकता है गाइस, ठीक है, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप अपने जो किचन में ही प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कीजिए। देखिए गाइस, जैसे कि आप क्या करोगे, आपने आपके घर में जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होता है जिसके साथ हम केक बनाते हैं, वो किचन में होता है, आप उसको ले सकते हैं। उसको लेकर आप वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार अपनी स्किन पे लगाइए, ठीक है। उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बेकिंग पाउडर का, एक बार हफ्ते में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके किचन में टोमेटो होते हैं, आप टोमेटो को मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, उनको ग्राइंड करके अपनी स्किन पे लगाइए, ओके। टोमेटो के साथ बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है स्किन पे, और आपकी स्किन की ब्लेमिशेस को विटामिन सी प्रोवाइड करता है, वो ब्लेमिशेस को कम करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, ओके गाइस। आप स्किन के लिए पपाया का यूज़ कर सकते हो, जो केमिकल ट्रीटेड हम फेशियल किट्स लेते हैं पपाया की, उससे अच्छा है आप घर में जो पपाया है उसका एक पैक बनाइए, उसको अपने फेस पे लगाइए, ओके गाइस। देन आपके किचन में कर्ड होता है, दही होता है, दही फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन सी, कितने ही अच्छे गुण होते हैं, उसको आप अपने फेस पे यूज़ कीजिए, और जो बाज़ार की केमिकल ट्रीटेड चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए। और गाइस, आप लेमन ले सकते हो, लेमन लेके अपने स्किन पे लगाइए, लेमन का जूस आप ले सकते हो, जूस पीजिए लेमन का, नींबू पानी बना के पीजिए, ठीक है। ऑरेंज लीजिए, विटामिन सी से फुल होता है ऑरेंज और लेमन, उनको अपनी स्किन पे लगाइए और उनका आप जूस निकाल के उनको ड्रिंक भी कीजिए आप, ओके गाइस। तो देखिए गाइस, अब कई बार हम क्या करते हैं, पीलिंग कराने के लिए पार्लर में जाते हैं, ठीक है। तो आप घर में ही पीलिंग का पैक बनाइए, जो अनार होते हैं, पोमीग्रेनेट्स होते हैं, उनको आप क्या कीजिए, मिक्स उनके जो छिलके होते हैं उनको धूप में सुखाकर, अनार और संतरे के छिलके, उसको आप सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड करके उनका पैक अपने फेस पे लगाइए, बहुत अच्छा ग्लो देते हैं। और जो पीलिंग करवाने हम जाते हैं, वो घर में ही हम उसके साथ पीलिंग कर सकते हैं, ओके गाइस। देन है गाइस, आप और क्या कर सकते हो, जो हमारे घर में बेसन होता है, आप बेसन ले सकते हो। बेसन में आप क्या करो, थोड़ी सी हल्दी डालो उसमें, बेसन में एक चम्मच आप दही का डालो बेसन में, ठीक है। तो उसको अपने फेस पे लगाओ, वो उसका पैक बना के, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके गाइस। तो देन आपने क्या करना है, आप और क्या ले सकते हो किचन में स्किन वाइटनिंग के लिए, आप ऐसे करो कि जो आपके पास आटा होता है फ्लोर,
ठीक है, उसमें और एक मक्की का कॉर्न का आटा होता है, मक्की का आटा हम उसको बोलते हैं, वो बहुत ही हमारी स्किन के लिए अच्छा है, जो हम स्क्रब करते हैं मक्की के आटे के साथ। उसमें चावल राइस वाटर जो होता है, चावल का पानी होता है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें डालें, उसको भी आप स्किन पे लगा सकते हैं, मक्की के आटे को और चावल का पानी लेके उनको लगाएं। चावल के पानी के साथ जो हमारी स्किन के पोर्स ओपन हुए होते हैं वो मतलब अजीब अजीब से दिखते हैं, वो उनको बंद कर देता है, उसके साथ भी फिर स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। तो गाइज आप कुकम्बर ले सकते हो, कुकम्बर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्किन के लिए, ठीक है गाइज। तो अब बाकी सब मैंने आपको नींबू बताया है, ठीक है, नींबू का जूस आप ले भी सकते हो, ठीक है। और ये मैंने कर्ड बताया है आपको, ठीक है, कर्ड स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन टोमेटोज़ हैं, ओके गाइस, इनका आप यूज़ बार बार कीजिए इन चीज़ों का, इनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, आपकी स्किन को कोई भी ये कोई रिएक्शंस कोई कुछ कुछ नहीं करेंगे, आपकी स्किन को ग्लो देंगे ये, ठीक है। अगर आप इनका इनको खाएंगे तो ये भी खाने के साथ आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, दोनों ही वेज बेस्ट हैं, ठीक है। मार्केट की चीज़ों को जो क्रीम्स हैं ब्लीचेस हैं, मैं आपको यही सुजेस्ट करती हूँ, उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर लगाना है तो बहुत कम लगाइए, इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए वो मत कीजिए आप। ये जो हमारी किचन में चीज़ें हैं उनका आप यूज़ कीजिए, उनको लगाइए गाइस, ठीक है गाइस। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। गाइस जो भी सैलून का काम सीखना चाहते हैं उनको आप बताइए मेरे चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी फ्यूचर में वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, एक मेरा दूसरा चैनल है पूनम कैलीग्राफी के नाम पे, उस पर मैं बच्चों को स्टडी करवा रही हूँ, ठीक है, राइटिंग का भी बता रही हूँ। आप वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कीजिए, अपने आस पड़ोस में बताइए, जो लोग जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस चैनल से मेरे चैनल से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर सीखेंगे। तो उनके लिए मैंने ये वो बनाया है चैनल। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।